So hello, welcome to the official YouTube channel of Medha, Medha Redefined. मैं हूं आपका समर्थ सर, लेकर हाजिर हूं आपके लिए क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसका पार्ट 4। और आज हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे थियोरेटिकली। कोशिश मेरी है कि मैं ये सवाल भी खत्म कर दूं, लेकिन अगर कुछ बच जाएंगे तो वो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वही मैथ्स का की है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। थोड़े ब्रेक के बाद वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे, तो मैंने सोचा लेट पीपल वॉच इट अप एंड देन वी आर बैक विद इट। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द व्यूज दैट हैव बीन कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग कॉमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद हमेशा बड़ी होती है, तो हम आशा यही करते हैं कि आप और ज्यादा देखेंगे, और ज्यादा शेयर करेंगे, अपने फीडबैक ड्रॉप करेंगे। तो शुरू करें आज की बात विदाउट एनी फर्दर डिले। आप हैं समझ सर के साथ, कहां पर हैं आप? मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, मेधा रीडिफाइंड पर। हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, और इसमें हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट और थियोरेटिकली आखिरी पार्ट, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, डॉट से आसान है, चिंता मत करिएगा, बस एक वेक्टर की चीज आ जाती है, ठीक। सो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, ठीक। और फिर मेरे पास उसमें एक सवाल है आपके लिए जो मुझे करना था। आई होपफुली जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लास्ट हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट शुरू किया ना लास्ट बार, ये हमने शुरू किया था लास्ट बार, अगर आपको उम्मीद है, ठीक। दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, ठीक। ये हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में किया था, ठीक। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डेफिनेशन डायग्राम के तौर पर प्रॉपर्टीज बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसा ही कुछ है एकदम क्रॉस प्रोडक्ट। फिर और प्रॉपर्टीज, फिर एप्लीकेशन ऑफ दो डॉट प्रोडक्ट बताया था, बहुत क्लासिक। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। बताया था कैसे आया कैसे, आज भी कई बार ऐसे करेंगे, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, 6, 7, 8, 9 यहां खत्म की थी। मैंने बोलता ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लिया होगा आपने, जिन्होंने नहीं किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक। या मैं आपको बता देता हूं, एक सवाल ये भी बहुत बेसिक था, एक सवाल मैंने और लिखा हुआ था। आई गेस जो सवाल मुझे बेसिकली कराना है और जो इंपॉर्टेंट सवाल है उस पर हम बात कर रहे हैं कि कलर लेंगे सफेद। हमने एक सवाल लिखा था कि फॉर एनी 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये छोड़ नहीं सकते, ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन देम सच दैट √3a - b इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2 मार्कर में आता है, आप और मैं स्किप नहीं कर सकते, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2 मार्कर में आता है, आप और मैं स्किप नहीं कर सकते। सवाल देखिए, करना शुरू करिए, फिर समझ कर आते हैं जल्दी से, क्विकली। फॉर 2 यूनिट वेक्टर, जो जो बातें दी है उनका ख्याल रखिए, क्या क्या दिया हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स है। सोल्यूशन, बहुत बढ़िया सवाल है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ओके सर, इसका मतलब क्या होता है भाई? इनके मैग्नीट्यूड्स 1 है बच्चों, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1, परफेक्ट, ठीक। अगली चीज और क्या दिया है हमको बताना है, इनके बीच में एंगल क्या है, मतलब लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी बी थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी बी थीटा, यही हमको निकालना है, यही चीज निकालनी है, निकाल लेंगे या सर, दिक्कत नहीं है पक्का। एक और बात दी हुई, सच दैट अ न्यू वेक्टर दैट इज फॉर्म्ड दैट इज √3a - b भी यूनिट वेक्टर है। तब आपको एंगल निकालना है जब गिवन, सच दैट दिस पर्टिकुलर जो नया वेक्टर है, पूरा वेक्टर, नया वेक्टर जो बना है वो भी यूनिट वेक्टर है, ओके सर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया बच्चों तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1, बिल्कुल। लास्ट क्लास में आखिरी 3 सवाल सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पे टिके थे, बार बार बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट, मिसलिनियस में बहुत सारे सवाल हैं जो इससे होंगे,
सेल्फ डॉट, अगर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, यही वही भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल का मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, प्लीज अपने आप से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि रूट थ्री ए माइनस बी का स्क्वायर भी वन होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है, परफेक्ट। आइए फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैं रूट थ्री ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, उसी वेक्टर से खुद का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो सर? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। शुरू किया जाए, इसकी वैल्यू वन है अपने पास, बिल्कुल सर। रूट थ्री इंटू रूट थ्री ए क्या हो जाएगा? रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री ए डॉट ए लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। रूट थ्री ए इंटू माइनस बी माइनस रूट थ्री ए डॉट बी, सारी प्रॉपर्टीज देखिए कैसे यूज होती है, स्केलर है, आगे पीछे लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी डॉट रूट थ्री ए, तो क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ माइनस रूट थ्री बी डॉट ए या ए डॉट बी, सेम बात है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी इंटू माइनस बी तो प्लस बी डॉट बी, दिखाई दे रहा है यहां तक? बिल्कुल परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थ्री मॉड ए स्क्वायर सेल्फ डॉट माइनस रूट थ्री ए माइनस रूट थ्री, सेम ही चीज तो है। तो क्या मैं इसको माइनस टू रूट थ्री ए डॉट बी नहीं लिख सकता हूँ? ट्वेल्थ में है, मुझे ये मत उम्मीद करिए मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, गैस आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, इतने तो होशियार आप लोग हैं ही, ठीक है। कोई वैल्यू अपने पास है? बिल्कुल है सर, किसकी वैल्यू है? मॉड ए की है, मॉड बी की, डालो सर जो वैल्यूज है डालो। क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन थ्री माइनस टू रूट थ्री ए डॉट बी, अभी यहीं पे रुक जाना, बहुत बढ़िया सवाल है ये, प्लस वन, परफेक्ट, कोई दिक्कत आई गेस नहीं, पक्का पक्का। आ जाओ बच्चों, थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर, वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू रूट थ्री ए डॉट बी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसको उधर लेकर चले आओ, इसको इधर लेकर चले आओ, तो क्या मैं इसको यहां ऊपर कर दूं? अगर आप लोग इजाजत दें तो सवाल यही खत्म हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। तो इसको उधर और इसको इधर, तो टू रूट थ्री ए डॉट बी इज इक्वल टू फोर माइनस वन, दैट वुड बी थ्री, इफ 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 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम लेट मी नो, पक्का पक्का, बड़े आगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज, ये नहीं इस्तेमाल किया, ये हमको थीटा निकालना है ना, हमारे पास मॉड ए मॉड बी है, क्या मैं ए डॉट बी को प्रो डॉट प्रोडक्ट के नियम से क्या मैं ये नहीं लिख सकता, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, क्या ये मैं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो, दिक्कत क्या है सर, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ए डॉट बी का एक्सपेंशन ही तो है, ठीक है। टू मॉड ए कितना है, वन, मॉड बी कितना है, वन, कोई फर्क नहीं पड़ा, टू रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, पक्का, काटना शुरू किया जाए, रूट थ्री कॉस थीटा यहां से कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री से जीवन बच नहीं सकता, कॉस थीटा कितना, रूट थ्री बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री से बच नहीं सकते बच्चों, क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या होगा थीटा, किस एंगल पे होता है, थर्टी सिक्सटी रूट थ्री बाई टू, थर्टी डिग्री पे, पाई बाय सिक्स पे, सो द एंगल बिटवीन देम इज थर्टी डिग्री और पाई बाय सिक्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसीलिए मैंने आपको कराया, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, मैंने बोला जब भी किसी के मॉड पता हो लगा दो सेल्फ डॉट, लगा दो सेल्फ डॉट, ठीक, ए भी पता है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू पता है, रूट थ्री ए माइनस बी यूनिट वेक्टर पता है, उसका फैक्ट इस्तेमाल किया, सेल्फ डॉट कराया, सारी जो वैल्यूज क्रिएट हुई, एक नई चीज की कि ए डॉट बी को वापस खोला उसके फॉर्मूले के बेसिस पर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट वाज अननेसेसरी थिंग। शैल वी मूव फॉरवर्ड, और आ जाइए आखिरी थियोरेटिकल बात पे, बहुत सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पिछले लेक्चर में लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मायने क्या होते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होता है, वो सारी चीजें वही सब उसमें भी करेंगे। तो आपको अगर वो समझ में आ गया फिर तो ये आपके लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक। तो आज हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, नाम आपके सामने है, ठीक, वही मैंने बोला प्रोडक्ट ही इस चैप्टर मेन है, प्रोडक्ट और वेक्टर्स के दो क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, जैसा स्केलर में समझा था वैसे समझते, क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्यों बोलते हैं क्रॉस, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछली बार रिजल्टेंट कैसा था बच्चों, स्केलर, इस बार रिजल्टेंट कैसा होगा, वेक्टर, रिजल्टेंट की एक दिशा होगी, बड़ी स्पेसिफिक दिशा होती है, बहुत अच्छे से बात करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। और द ऑपरेटर यूज्ड इज क्रॉस, द ऑपरेटर यूज इज क्रॉस, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी,
इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। पक्का बढ़े आगे बढ़ जाओ सर, आ जाओ आप पढ़ो। एकदम ऐसा डायग्राम है, डायग्राम बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक आ जाओ, ठीक बहुत ध्यान से देखना। वी कैन कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट दिस वे कि अगर मॉड ए, ये वेक्टर्स के नोटेशन ये लेते नहीं है कई बार प्रिंट करने पे, चले ठीक है परफेक्ट। मॉड ए, मैं पहले वेक्टर्स लगा दूं आपके लिए फिर समस्या ना हो, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी बात गलत हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए एंड बी ठीक, एन कैप ठीक परफेक्ट। आई हाउ कैन वी कैलकुलेट दी क्रॉस प्रोडक्ट, क्या नोट है जैसे उसमें मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा था वैसे दी, वी कैन कैलकुलेट दी क्रॉस प्रोडक्ट बाई, अगर कोई दो वेक्टर है, कोई दो नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर कुछ भी, कोई दो वेक्टर ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इंटू एन कैप। बच्चों एन कैप, ये एन कैप ही सब कुछ तय कर रहा है। सो एनी फॉर एनी टू वेक्टर्स ए, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, द ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं मॉड ए, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये क्यों लगा रहे हो सर एन कैप, ये क्यों लगा रहे हो सर एन कैप? यही है जो आपके रिजल्टेंट की दिशा दे रहा है, यही है जो आपके वेक्टर की दिशा दे रहा है, जो वेक्टर प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसकी दिशा दे रहा है। दिस इज वॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। अच्छा सर कैप लगाए हुए इसका मतलब क्या है? बहुत बार बात कर चुके हैं, जब कैप लगाया है मतलब ये यूनिट वेक्टर है। अगर कोई चीज यूनिट वेक्टर है तो वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज करेगा कि नहीं? भाई वन होगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक। लेकिन ये एक दिशा दे देती है, मेरे रिजल्टेंट को वेक्टर क्वांटिटी बना देती है, दैट इज द की। सो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए इंटू मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और फिर वही थीटा 0 से 180 के बीच में हो सकता है जो पिछली बार बात की थी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इस बात पे आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एट राइट एंगल्स टू बोथ ए एंड बी। अब बात क्लियर हो गई। तो जो रिजल्टेंट की दिशा होगी, फिर डायग्राम समझा, जो रिजल्टेंट की दिशा होगी वो हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। द रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, माने मान लीजिए आपके दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, ठीक ए ऐसे है बी ऐसे है, तो आपका रिजल्टेंट या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ए ऐसे है मान लीजिए, ए ऐसे है और बी ऐसे है, मान लीजिए मैं दो, लेट मी टॉक अबाउट रिजल्टेंट ठीक। ये मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं ठीक, ऐसे ये आपके दो वेक्टर्स मान लीजिए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस दोनों से 90 बना, या तो ऐसा होगा या तो नीचे ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा ठीक। सो द रिजल्टेंट इज इवेंचुअली ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ, ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सो द रिजल्टेंट इज ए एंड बी। अब आइए डायग्राम देखिए, ये आप देख पा रहे हो तो वेक्टर ए है, ये आप देख पा रहे हो तो वेक्टर बी है, एंगल इनके बीच में थीटा है, ये है रिजल्टेंट की दिशा ए क्रॉस बी की, ये है बच्चों रिजल्टेंट की दिशा वेक्टर ए क्रॉस बी की, ये एन कैप ठीक। तो एन कैप क्या कर रहा है, देखो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो कि नहीं? ये बात समझना इंपॉर्टेंट है, ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है ठीक, पक्का सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वाई एन कैप, बिकॉज द रिजल्टेंट का डायरेक्शन देना है, वेक्टर क्वांटिटी है ठीक। यहां मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, माने ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी दोनों होगा। कहीं भी आप दुनिया में किसी दो वेक्टर का क्रॉस कराओगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर
ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंगल थीटा, इनका रिजल्टेंट ये दोनों के परपेंडिकुलर 90 ए से भी बना रहा है, 90 बी से भी बना रहा है, यही बात। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक पक्का, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर, आ जाओ। When A and B starts from the origin, अब ये देखो बहुत अच्छी, ये अच्छी चीज़ है, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये A वेक्टर ये है AX, AY, AZ, B वेक्टर ये है BX, BY, BZ, ठीक। तो A क्रॉस B, A क्रॉस B की दिशा आप देख पा रहे हो, इससे भी 90 है, अगर आप देख पा रहे हो ये 90 है, ये भी 90 है। अच्छा A क्रॉस B वेक्टर के तौर पे कैसे लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं याद करने, कई जगहों पर आपको ऐसे दिया होगा लेकिन हम ऐसे नहीं याद करने कि AY, BZ, AZ, BY, तो हम ऐसे नहीं याद करने वाले। इसका एक बहुत अच्छा रूल है डिटरमिनेंट का, जिस पर हम आएंगे, सो लेट्स मूव टू दैट, फिर मैं इस पे आऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अब आपको ये दिख रही होगी बात, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए, प्रॉपर्टीज पे आते, ठीक है। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जी बिल्कुल, ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल तय है। ए क्रॉस बी जीरो होगा, ए क्रॉस बी जीरो होगा कब, अगर ए क्रॉस बी जीरो होगा कब, अगर ए पैरेलल टू बी है या एंटी पैरेलल टू बी है। अब मैं आपको समझाता हूं, पहली चीज चार दो प्रॉपर्टी, एक ये और फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आ रहा हूं, ठीक ठीक। ए क्रॉस बी जो है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है सर, ये बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताएंगे भाई, ठीक। दूसरी बात, ए क्रॉस बी इज जीरो इफ ए इज पैरेलल टू बी और ए इज एंटी पैरेलल टू बी। माने क्या हुआ सर, बताते हैं, दिखाई दे रहा है इतना, बिल्कुल, ए क्रॉस बी इज जीरो इफ ए इज पैरेलल टू बी और एंटी, तो अगर आप जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो डॉट जीरो दिखा दो, किन्हीं दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस जीरो दिखा दो, किन्हीं दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस जीरो दिखा दो, बात समझे। तो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, जब ए इज पैरेलल टू बी, क्यों ऐसा हो रहा है ये समझते। अच्छा पैरेलल का मतलब बच्चों क्या है, पैरेलल का मतलब एंगल जीरो डिग्री, परफेक्ट। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है बच्चों, एंगल 180 डिग्री, भाई उल्टा ऐसा, ये पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, ये एंटी पैरेलल है दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, परफेक्ट। ए क्रॉस बी होता क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। जब पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन जीरो। अब फिर कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के बिना जिंदगी नहीं गुजरेगी, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है सर, पक्का पक्का जीरो होती है सर, पक्का पक्का। तो कितना हो जाएगा, साइन जीरो एस होने तो एन कैप कोई मतलब ही नहीं है जीरो। अगर एंटी पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन 180, साइन 180 भी कितना होता है बच्चों, जीरो होता है सर। तो मॉड ए मॉड बी इंटू जीरो एन कैप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो हो जाएगा, बात समझे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो हो जाएगा। तो अगर मेरे वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, क्रॉस जीरो, ठीक। आगे आ जाए, ये पिछली बार समझा था, ये इस बार भी समझते, इंपॉर्टेंट। आइए, पिछली बार क्या पढ़ा था, डॉट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन होता है, आई डॉट जे के डॉट के आई या कोई दूसरा वेक्टर कराओ जीरो हो जाता है, इसमें उल्टा है, क्यों उल्टा है ये समझते हैं। पहली चीज ये प्रॉपर्टी, दैट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो, क्यों हो रहा है सर, बहुत सिंपल बात है, दो सेम चीजों के बीच में एंगल कितना, यही बात की थी डॉट में, दो सेम चीजों के एंगल में बीच में एंगल कितना, जीरो डिग्री। आई और आई में एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक मैं आपको करके दिखा दूं, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, मॉड आई इंटू मॉड आई साइन थीटा, अब आई के बीच में जीरो एन कैप, साइन जीरो कितना होता है बच्चों, जीरो। कुछ सोचना है नहीं, कुछ सोचना है नहीं, पक्का, बहुत स्पेसिफिक बात, ठीक है सर। अच्छा इसी से एक बात और बता दूं, जैसे मैंने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बताया था ना, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो हो जाता है किसी वेक्टर का खुद से, तो यही पे मैं लिख दे रहा हूं, ए क्रॉस ए इज नथिंग भाई, मॉड ए
सेम है, क्या होगा एंगल? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ए क्रॉस ए जीरो। जैसे आई, क्योंकि आई और आई भी तो सेम वेक्टर है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के डॉट के, जीरो। खुद से किसी का, खुद से किसी का क्रॉस कराओगे तो जीरो आ जाएगा। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है, ये बात ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इस बार मैंने मिस नहीं किया, पिछले बार मिस करके था। ठीक, तो पहले सेट ऑफ प्रॉपर्टीज वेक्टर क्वांटिटी है, अगर पैरेलल होगा तो जीरो होगा, अगर एंटी पैरेलल होगा तो जीरो होगा। यूनिट वेक्टर्स में आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होते। अब जो दूसरी बात है वो मैं आपको अगले पेज पे समझाता हूँ। ठीक, इसके लिए मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से बात निकल कर आएगी। ठीक, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट वाली बात समझेंगे। जरा मुझे एक मिनट देखने दीजिए क्या है। ठीक, परफेक्ट। ठीक, आई क्रॉस जे। ठीक, अब देखिए आप वेक्टर फिजिक्स में भी करते हैं, तो फिजिक्स में आपके लिए एक रूल बताया जाता है, टेंथ में आप लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, भाई मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स थोड़ी कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं ना, मैथ्स इस्तेमाल हुई है फिजिक्स में। ठीक, हम मैथ्स के लॉजिक से समझेंगे। ठीक, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं फॉर्म, मॉड आई मॉड जे। ठीक, साइन आई और जे के बीच में एंगल कितना बनता है, क्यों जीरो हो रहा था डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि 90 बनता है एंगल, साइन 90 इंटू एन कैप, परफेक्ट। ठीक, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉड आई मॉड जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। ठीक है, परफेक्ट। मॉड आई कितना होगा, 1 इंटू 1 साइन 90, 1, परफेक्ट। एन कैप, अब एक बात आराम से बताओ, आई कौन सी, आई किस वेक्टर, किस किस एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जे किस एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, जे किस एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग। इनके परपेंडिकुलर क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर, के कैप। क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर, के कैप। तो दिशा क्या होगी, के कैप। इसीलिए होता है इसकी वैल्यू के कैप, इसीलिए होती है इसकी वैल्यू के कैप। भाई के कैप भी यूनिट वेक्टर, दिशा ही तो देनी है, डायरेक्शन क्या है अलोंग जेड एक्सिस, डायरेक्शन क्या है भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसको और इसका क्रॉस कराऊंगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक, अब कोई बोल सकता है माइनस के क्यों नहीं होगी, यही कन्वेंशन है, यही तो कन्वेंशन है। तो हम एक चीज याद करेंगे, ठीक, हम एक सर्कुलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक, हम एक सर्कुलर सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम बात सीखेंगे। यहां मैं मार्क कर रहा हूं आई कैप, यहां मैं मार्क कर रहा हूं जे कैप, यहां मैं मार्क कर रहा हूं के कैप। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये है सर्कुलर सिस्टम। फिजिक्स में आपको राइट हैंड थंब रूल से सिखाया जाता है सर्कुलर सिस्टम, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे के। देखिए आई का जे से कराओगे अगला वेक्टर, जे से के का कराओगे अगला वेक्टर, के से आई का कराओगे अगला वेक्टर। अगर दिशा उल्टी कर दोगे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, अगर दिशा उल्टी कर दोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो अब आपको ये डायग्राम अगर समझ में आ गया है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। दिशा उल्टी कर दोगे, जे क्रॉस आई कर दोगे, अभी आगे बता भी रहा हूं, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे भाई उल्टा चल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के माइनस जे कैप। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए, इससे इसका तो अगला, इससे इसका तो अगला, इससे इसका तो अगला, दिशा पलटोगे नेगेटिव, दिशा पलटोगे नेगेटिव। ये है यूनिट वेक्टर्स पे कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे अगली चीज चुकी है। ये नहीं समझ में आएगा तो बात नहीं समझ में आएगी, बात समझ गए, पक्का पक्का समझ गए, पक्का। ठीक, आगे बढ़े, आ जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट बात, ए क्रॉस बी उसमें कम्यूटेटिव होता था, इसमें नहीं है कम्यूटेटिव, उसमें कम्यूटेटिव होता था, इसमें नहीं है कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं, क्यों, वेक्टर है ना भाई। अगर ए से, जैसे अभी पीछे जो भी पीछे बताया यही तो बताया, अगर ए से बी का क्रॉस करा रहे हो तो वो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर बी से ए का क्रॉस करा दोगे तो नॉट कम्यूटेटिव बल्कि नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, दिशा पलट जाएगी। आप समझिएगा, जैसे आई क्रॉस जे को के लिख रहे थे, जे क्रॉस के को आई लिख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, पक्का, बात समझ गए, ये इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है,
डिस्ट्रीब्यूटिव है, यही लिखा हुआ। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में ए क्रॉस बी प्लस सी कराओगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक, सिंपल थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। स्केलर्स में भी वही बात कि अगर लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी करो, लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा दो जहां घुमाना है, लैम्डा को ए के साथ लेके चले जाओ, ठीक, या लैम्डा को बी के साथ लेके चले जाओ, ए क्रॉस लैम्डा बी कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर कोई फर्क नहीं करने वाला। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हम बैठ के हमेशा वो करने वाले आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, क्या करने वाले हैं? नहीं, तो एक रूल इस्तेमाल हुआ है डिटर्मिनेंट, बहुत किया है ना 12th में, डिटर्मिनेंट सबसे आसान चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, कि अगर मेरा वेक्टर ए है, ए वन आई कैप आपको वैसे सामने दिख रहा है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप आपके सामने लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का यूज हम करते हैं, आपको दिख रहा है वैसे, ठीक है, तो अगर ए ए वन आई कैप, बी ए है बी वन जे कैप, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे आएगी, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, पहले रो में आप लिखोगे आई जे के, दूसरे रो में लिखोगे ए वन, ए के कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए, दूसरे रो में लिखोगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए, ठीक, और तीसरे रो में लिखोगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आता है कि नहीं आता है, सच बताइए, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आता है कि नहीं आता है, आना आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर फंस जाएंगे, मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से, डिटर्मिनेंट सबको आता है, करो सर, फर्स्ट रो छोड़ते हैं, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, परफेक्ट, सेकेंड नेगेटिव लेते हैं, माइनस जे कैप, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, परफेक्ट, प्लस के कैप, ये छोड़ो ये छोड़ो, आता है सबको ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू आई, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आ रहा होगा। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सिखाने बैठूंगा तो फिर मैं वेक्टर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक, बात समझ गए, पक्का पक्का पक्का, चले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का ये एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये मत इस्तेमाल कीजिए भाई, अगर आपके पास यही है तब तो करना पड़ेगा, बता भी दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, लेकिन आप ये मत, आप डॉट प्रोडक्ट वाला इस्तेमाल करिएगा, ठीक, हो क्या रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है, हो क्या रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, मैं नीचे लिखता हूं, ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, जी बिल्कुल, ठीक है, पक्का पक्का। अब अगर मैं, मुझे साइन थीटा चाहिए, अगर मैं दोनों साइड मॉड कर दूं, दोनों साइड इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड का, भाई ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है एज इट इज रहेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है एज इट इज रहेगी, किसका मैग्नीट्यूड होगा, एन कैप का, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, वन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है वन, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से क्या ये यही बन के नहीं आ जाएगा, तो अब यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, मॉड ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप तो वन है, साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, ऐसे ही तो निकाली थी उसमें भी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे एंगल आ जाए, अगर आपके पास ए क्रॉस बी ही दिया है, अगर आपको ए बी दिया हुआ है तो आप हमेशा डॉट इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी बात मानना वरना फंस जाओगे, बढ़े आगे बढ़ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत सिंपल है, ठीक, The area of triangle is half the magnitude of cross product of two adjacent sides represented by vectors OA and OB. आपके सामने एक ट्रायंगल है, बहुत अच्छे दिख रहा है, मान लीजिए मैं इसको B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मान लीजिए मैं इसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एरिया मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ कैसे आया, ठीक, फिर मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो आपको दिख रहा है, दैट वुड बी हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, और इसके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बगल वाले आर रिप्रेजेंटेड बाई, मान लीजिए ए और बी वेक्टर, सो द एरिया इज नथिंग बट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आया कैसे आ रहा है, ए क्रॉस बी कराना, मैग्नीट्यूड निकालना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया दे देगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया स्केलर क्वांटिटी होगी ना, वेक्टर थोड़ी है,
हायर क्लास में वेक्टर के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी में। आया कैसे, आ जाओ, आया कैसे ये समझना जरूरी है, क्योंकि फिर पैरेललोग्राम में नहीं बनाऊंगा। यही लिया था ना हमने, ओ ए बी, इसको हमने माना बी वेक्टर, इसको माना ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सबको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल, क्या छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके सर, पक्का पक्का बच्चों, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, पक्का पक्का। यहां पे बेस क्या है, ए बी, ठीक है जी। हाइट क्या है नहीं पता, तो हाइट बनाते हैं, हाइट बनाते हैं, हाइट क्या कर दी, परपेंडिकुलर मार्क कर दी है, ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं ओ सी, ठीक। हाइट क्या है, ओ सी, परफेक्ट, 90 डिग्री, आ जाओ। ए बी क्या है, सबको पता है, मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ ए बी का मतलब लेंथ, ए बी, बेस का मतलब लेंथ, बेस समझिएगा, बेस का लेंथ, व्हाट बी, पक्का, ठीक है। हाइट क्या है नहीं पता सर, कैसे निकालेंगे अब बताता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, देखो ओ ए सी, ये कितना है ए, ये कितना है थीटा, बिल्कुल। हमको क्या चाहिए, ओ सी। क्या इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा को लिख नहीं सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो सर, दिक्कत क्या है, ओ सी अपॉन ओ ए, ओ ए क्या है लेंथ के, तो मैग्नीट्यूड के द्वारा बात कीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन मॉड ए, बिल्कुल। यहां से ओ सी क्या हो जाएगा, मॉड ए साइन थीटा, पक्का। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई, छोटा लिख रहा हूं क्या, नहीं समझ में आ गया, ठीक है। हाइट निकाल, क्योंकि मेरे पास ए बी के टर्म्स में मुझे बात करनी है, हाइट निकाल, देखो तोड़ा, राइट एंगल बना, साइन थीटा इसमें लगाया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ही चाहिए था हाइट, हाइपोटेन्यूज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो लिखा, तो ओसी की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ए साइन थीटा। भाई ये क्रॉस वाला क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये आप समझिएगा, ये इनटू वाला है, ठीक है, ठीक। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है, साइन थीटा भी पीछे की हो बच्चों, हाफ इंटू मॉड बी मॉड ए, साइन थीटा भी क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, खेल खत्म। यही तो निकालना था, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। सो इफ योर ट्रायंगल्स एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए एंड बी, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, गलती से लिखा गया बच्चों, माफ करना, डायग्राम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, मैं इसको आपको प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन सबको पता है कि मैं किसी पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट सकता हूं, बांट दो सर, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड्स बराबर और ऑपोजिट बराबर होंगे, बिल्कुल। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इंटू टू कर दूं, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ऊपर दिया हुआ है इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, यही तो होगा, दो हिस्सों बांट दिए, ए डी बी दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है जी। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, 1/2 इंटू एडजेसेंट साइड्स ए और बी से रिप्रेजेंटेड है, तो मॉड ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल है ठीक, मॉड ए क्रॉस बी, 2/2 कटा, मॉड ए क्रॉस बी। अब इसको जनरलाइज करते हैं कि इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी वेक्टर्स, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, नथिंग बट मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी, हमें लगे हैं 34 मिनट, सो वी कैन एक्सटेंड इट, ठीक। ये बात समझ आ गई ना, ट्रायंगल में हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम में ए क्रॉस बी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मिसलिनियस का सवाल लेकर आऊंगा तो उसमें मैं ये चीज इस्तेमाल होगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं। कोई अभी तक आपको जितने वेक्टर्स मिले सब आपको वेक्टर्स दिए गए, आई कैप, जे कैप, के कैप, 2i कैप, 2j कैप, 3k कैप, वो सारी चीजें दी हुई है ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दिया, उसका मैग्नीट्यूड दिया हो और उसका एक इंक्लिनेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूं फिर समझ, तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे। देखिए मैं 2D में बात कर रहा हूँ, 3D में नहीं, 3D में रिजोल्व करने की मुश्किल काम है, वो हम आगे सीखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। 2D में रिजोल्व करना सीखा, एक्स और वाई,
जब अगर मान लीजिए टू डायमेंशन बात कर रहे हैं तो दो ही कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। अगर भाई टू डी में है तो किसी पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना एक्स और वाई, तो एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। टू डी में मैं आपको रिजोल्व करना सिखा रहा हूं, टू डी में आपको रिजोल्व करना सिखा रहा हूं। ये कोई वेक्टर है आपका ए जिसका मैग्नीट्यूड है, ये कोई वेक्टर है ए और जिसका मैग्नीट्यूड है मॉड ए, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस स्पेसिफिक एक्स एक्सिस, वाई के साथ एक्स एक्सिस, वरना बदल जाएगी बात। तो आपका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक, मॉड ए कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, अब तुम देखो, ठीक, अब तुम देखो, तो ये वेक्टर ए था जो बना रहा है, ठीक, ये थीटा है। अगर मैं यहां से एक 90 ड्रॉप कर दूं तो भाई ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, बिल्कुल है सर। इस ट्रायंगल में मॉड ए क्या हो जाए, मतलब ये हॉरिजॉन्टल क्या हो, इसको देता हूं ओ, इसको लिख देता हूं ए, इसको लिख देता हूं बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूं, ठीक। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मॉड ए, पक्का। तो मुझे बेस, मेरा बेस क्या हो, यही तो है एक्स कंपोनेंट, यही है ना एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहां से OA क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा। और अगर एक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा, आई कैप, कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा, आई कैप, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी, ठीक, अभी आगे बता रहा हूं। वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्या मैं लिखूं या समझ गए, क्या मैं इसको मॉड ए साइन थीटा नहीं लिख सकता हूं इसी लॉजिक से। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इनटू हाइपोटेन्यूज, क्या ये नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ये वाई कंपोनेंट है मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर, जे कैप, ये एक्स कंपोनेंट है मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप। तो क्या मैं इसको अपने वेक्टर को ये नहीं लिख सकता, एक्स कंपोनेंट मतलब यही लिखते हैं ना, एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स एक्स कंपोनेंट क्या है, मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं आराम से। ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये इस्तेमाल होगा एक सवाल में। अगर आपको कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पता है और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 2D में, 3D में नहीं, 2D में, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको करके दिखा दिया ऐसे, क्योंकि दो ही चीज चाहिए वाई और एक्स, ऐसे निकलेगा वाई, ऐसे निकलेगा एक्स, फिर वेक्टर को ऐसे लिखते एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, बात खत्म, सवाल खत्म, खेल खत्म, चैप्टर इज ओवर गाइस, ठीक। चैप्टर में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन सवाल बचे हैं और अच्छे सवाल बचे हैं, मिसलिनियस बची है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दो तीन सवाल ले लूं, क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल ले लूं, फिर मैं एडवांस सवाल जो है वो आखिरी लेक्चर में लेकर आऊंगा, थोड़ी बड़ी भी होगी लेकिन उसमें सिर्फ सवाल ही सवाल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक। लेट्स गेट टू द फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, मैं एक सेकंड में पानी की बॉटल लेके आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप इस सवाल को शुरू करिए, एकदम नॉर्मल तरीके से करना, गिव मी अ मिनट। I am back, guys. ठीक, चले शुरू करते हैं, तेजी से करिए। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते फिर मॉडुलस निकाल लेंगे, वेक्टर निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कुछ नहीं। ए आपको पता है, सामने दिखाई दे रहा है, आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस सेवन के कैप। बी कितना है, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। दो तीन बातें, ऑर्डर ध्यान रखना, ए अगर पहले है तो पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे सेकंड रो में, बी के कंपोनेंट्स आएंगे थर्ड रो में। ले शुरू करते हैं डिटरमिनेंट के नियम से, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड, पहले ए के कंपोनेंट्स क्योंकि ए क्रॉस बी है, वन माइनस सेवन, गलती मत करिएगा साइन के साथ, प्लस सेवन, ठीक है, थ्री माइनस टू प्लस टू, परफेक्ट, ठीक, बात समझ गए, पक्का पक्का, एक्सपेंड किया जाए करा जाए। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आता है, तो माइनस सेवन इंटू टू माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस टू इंटू सेवन प्लस फोर्टीन, हटाओ, खेल ही खत्म, माइनस सेवन इंटू टू माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन, गेम ही खत्म,
माइनस जे कैप, बीच में गलती नहीं करनी है, बीच वाले का नेगेटिव रहते माइनस जे कैप, 1 × 2 = 2, −3 × 7 = 21, 1 × 2 = 2, −3 × 7 = 21, प्लस के कैप, 1 × −2 −2, −3 × −7 +21, परफेक्ट, कोई दिक्कत जी नहीं। ये कितना हो गया, तो 0 आई कैप हो गया, हटाओ, ये कितना हो गया +19 आई कैप जे कैप, 2 − 21 −19 −- प्लस, ये कितना हो गया +19 के कैप, बहुत बढ़िया। क्या आया आपका ए क्रॉस बी, क्या आया आपके ए क्रॉस बी, 19 जे कैप +19 के कैप, बहुत बढ़िया। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर बच्चों, बहुत बढ़िया। अब कई लोग क्या करेंगे 19 स्क्वायर 9, बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे हैं क्या, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, क्या लिखोगे 19√2, मत करना 361 +361, बेवकूफी होगी, मैथ्स से खेला कीजिए, मैथ्स के साथ खेला कीजिए, समझे। ए क्रॉस बी निकाले डिटरमिनेंट से, आई जे के, ए के कॉम्पोनेंट्स, बी के कॉम्पोनेंट्स, एक्सपैंड किया, एंड देन वी गॉट टू दिस, लेट्स मूव अहेड, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जानबूझ के पहला दूसरा सवाल लेकर आया हूं, ठीक। ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है जी, वेयर ए इज दिस, बी इज दिस। अब आपसे जब भी बोले फाइंड वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, यू विल ऑलवेज डू क्रॉस प्रोडक्ट, यहां लिख रहा हूं, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, क्या करना है मैथ में, ए एंड बी, ए क्रॉस बी नहीं, ए एंड बी, क्या करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी, कुछ सोचना नहीं है, क्यों भाई, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कैसा होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो कि ना हो, तो जब उल्टा पूछ लिया ना, एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी के परपेंडिकुलर, मैथमेटिकली ए क्रॉस बी, मैथमेटिकली ए क्रॉस बी, ए क्या है, अब यहां पे कुछ और बुझा, यहां पे कुछ और बोला, टू के कैप, बी क्या है, −2 के कैप, ठीक, आई कैप +2j कैप −2j, हमसे बोला एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, पहले वेक्टर निकाल लेते फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, ए प्लस बी पहले निकालिए, ए प्लस बी क्या हो जाए, यही निकाल लूं क्या, ए प्लस बी, बढ़िया, ए प्लस बी यही निकाल लेता हूं, 3 + 1 = 4i कैप, 2 + 2 = 4j कैप, अरे शाबाश, 2 − 2 = 0j कैप, बहुत बढ़िया, ए माइनस बी, ये तो भाई अलग तरीके का वेक्टर, 3 − 1 = 2i कैप, 2 − 2 = 0j कैप, बहुत बढ़िया, 2 − −2 + 4j कैप, 4k कैप, परफेक्ट, ए प्लस बी अपना क्या बना, ए प्लस बी क्या बना, 4i कैप + 4j कैप, लिखते नहीं है लेकिन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ए माइनस बी क्या बना, 2i कैप + 0j कैप + 4k कैप, ठीक, इन दोनों, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो पहले एक ऐसा वेक्टर निकाल लेते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्या कराना है, क्रॉस, क्या कराना है, क्रॉस, तो इसको सी दे देना, इसको डी दे देते हैं, ठीक, हमको क्या कराना है, सी क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, सी क्रॉस बी, लिखो आई जे के कैप 4 4 0 2 0 4 i, ठीक, 16 − 0, परफेक्ट, माइनस जे 16 − 0, अरे शाबाश, प्लस के, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर रहा हूँ, 4 − 8, अच्छा के 4 × 0, वही उस दिन वाली गलती, 4 × 0 = 0 − 8, ठीक, 16i कैप − 16j कैप + −8k कैप, क्या, अरे अरे पक्का पक्का, ठीक, क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, सी प्लस डी का, सी क्रॉस डी का यूनिट वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर, इस पूरे वेक्टर का, ठीक, क्या निकालना, क्या करोगे, सी क्रॉस डी जो आया है उसके उसके मैग्नीट्यूड से
यूनिट वेक्टर तो बहुत निकल रहा है पिछली बार भाई, अब नहीं निकालूंगा। मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना, कर दोगे 256 512 प्लस 64 दैट वुड बी आई गेस 576 24 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आएगा 24, ठीक। तो डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, समझिए। कभी भी कोई वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा दो वेक्टर्स के अलोंग, तो प्लीज आप उनका क्रॉस कराएंगे, और इसमें यूनिट वेक्टर पूछे तो क्रॉस कराने के बाद उसका यूनिट वेक्टर, तो क्रॉस कराया फिर रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यही किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई वेक्टर तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका यूनिट वेक्टर। बढ़े आगे, बढ़ जाओ। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, बहुत अच्छा सवाल है। दो वेक्टर आपको दिए हैं, इनका जीरो है, जीरो का मतलब जीरो वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। आई जे के 2627 1 लैम्डा म्यू, जीरो वेक्टर का मतलब बच्चों जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप, कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक्सपैंड करे, एक्सपैंड करो, आई क्या होगा, और इक्वेट कर देंगे भाई। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे ना, पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस बोला आपको दिखाई देना क्रॉस, ठीक है। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27, शाबाश। 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आप मुझे बताइए क्या इसको इक्वेट करने की जरूरत है, नहीं भाई, इसी से वैल्यू आ जाएगी, इन्हीं दोनों से वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू माइनस 27 जे कंपोनेंट, जे कंपोनेंट से इक्वेट इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। और 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू की वैल्यू 27 बाई 2, और 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा की वैल्यू 3। क्रॉस कराया, कई लोग कंफ्यूज होंगे जीरो का मतलब क्या है, कई लोग कंफ्यूज होंगे जीरो का मतलब, जीरो का मतलब जीरो वेक्टर, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप, पक्का पक्का। बढ़े आगे, बढ़ो सर। इफ आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो इज द कन्वर्स आल्सो ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक। बोल रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, अगर अब तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा इफ आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया, मतलब उसका मैग्नेट, अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए जीरो हो सकता है या मॉड बी जीरो, अगर कोई वेक्टर जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई जीरो बन गया तो ये तो बट ऑब्वियस है कि जीरो, मान लीजिए ए जीरो बन गया तो आगे कुछ निकालने का पॉइंट ही क्या है, ये तो जीरो ही हो गया ना, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई वेक्टर जीरो बन गया तो ए क्रॉस बी जीरो बन जाएगा, ये कह रहा है। क्या इसका उल्टा भी सही है, पूछ रहा है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, दैट इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, डज दिस मीन कि वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई जीरो होगा, वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई जीरो होगा, ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। क्या जरूरी है, नहीं, सोचिए क्यों नहीं जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि एक और चीज जीरो ही बना सकती है, क्या, एंगल। बच्चों भाई या तो ये जीरो बना सकता है, या तो ये जीरो बना सकता है, या तो ये भी तो जीरो बना सकता, साइन थीटा भी तो जीरो बना सकता है। सो इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। व्हाई, बिकॉज ए क्रॉस बी कैन ऑल्सो बी जीरो इफ थीटा अगर जीरो या 180 हो जाए भाई, क्योंकि तब साइन थीटा जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी को जीरो तीन लोग बना रहे हैं, तीनों में से कोई बना सकता, अगर ए वेक्टर जीरो हो जाए, बी वेक्टर जीरो हो जाए, या एंगल जीरो डिग्री या 180 हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कन्वर्स ट्रू नहीं, सवाल समझिएगा, सवाल समझिए, कन्वर्स ट्रू नहीं है, नहीं है। डज दिस मीन दैट दिस इज जीरो, नो, इट कैन ऑल्सो मेक इट जीरो, ये भी जीरो बना सकता है, ठीक। एग्जाम्पल आप सोच के
करेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी. ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ सकता हूं. ये और ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले. एक मैं कर दे रहा हूं पैरेललोग्राम वाला छोड़ूंगा. चलो ए बी सी, ए बी सी. ए कितना दिया हुआ है 1 1 2, बी कितना दिया हुआ है 2 3 5, सी कितना दिया हुआ 1 5 5. ठीक 1 5 5. ठीक, कोई भी दो वेक्टर निकाल लो, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो, चाहे बी सी निकाल लो और बी ए निकाल लो, कुछ भी निकाल लो. एडजेसेंट वेक्टर्स, कोई दो एडजेसेंट लिख देते हैं. ए कितना है 1 1 2, बी कितना है 2 3 5 और सी कितना है 1 5 5. पक्का पक्का, कोई तो निकाल ले. ए बी निकाल ले और बी सी निकाल ले. ए बी और बी सी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं. ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, बी में से ए को घटाना. ए बी यही तो होगा बी में से, 2 माइनस 1 1, तो आई कैप, 3 माइनस 1 प्लस 2j कैप, 5 माइनस 2 प्लस 3k कैप. ठीक, बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर क्या होगा 1 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, 5 माइनस 3 प्लस 2j कैप, 5 माइनस 5 प्लस 0k कैप. समझ गया ना, ए बी वेक्टर इसमें से घटा दिया बी माइनस, ये ऑलरेडी कर चुके थे पहले क्लासेस में, दिस माइनस दिस. ठीक, अब ए बी क्रॉस बी सी करा दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एडजेसेंट साइड्स हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस बी सी. परफेक्ट. ठीक, ए बी क्रॉस बी सी. ठीक, ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं, आओ फिर मॉड निकाल लेंगे. निकाल लेंगे सर, पक्का पक्का करूं. एक कर दो, अगला होमवर्क दे देना. चलो -1 2 0 एक्सपेंड करो. आई 0 -6 माइनस जे 0 प्लस 3. डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता 0 प्लस 3 प्लस के कैप 2 माइनस प्लस 2. परफेक्ट, कितना हो जाएगा -6 आई कैप -3 j कैप प्लस 4k कैप. ठीक, प्लस 4k कैप, कोई दिक्कत आई गेस नहीं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड ए बी क्रॉस बी सी. बताओ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 36 प्लस 6 9 45 45 प्लस 16 61. ठीक, निकाल दे क्या, दैट इज हाफ इनटू अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 52 9 61, अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स. एडजेसेंट साइड निकाला है पहले, ध्यान रखना. ए बी बी सी कुछ भी नहीं, ए बी बी सी सबसे सेम आता, आप किसी और से भी करके देख लीजिएगा सेम आएगा. ठीक, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड. एडजेसेंट वेक्टर्स निकाले, क्रॉस किया, मैग्नीट्यूड निकाला, आंसर आपके सामने है. ये रहा आपके लिए होमवर्क, इसमें कुछ नहीं करना है, तो सिंपल दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है. हम खत्म कर चुके हैं चैप्टर. अब जो सवाल मैं शुरू कराना चाहता हूं अगली बार, जो सवाल मैं शुरू कराना चाहता हूं अगली बार, वो है मिसिलीनियस एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के थोड़े ट्रिकी वाले सवाल, नॉन एनसीईआरटी के थोड़े ट्रिकी वाले सवाल. वो सवाल मैं अगले लेक्चर में खत्म. वेक्टर हमने उड़ा दिया बहुत अच्छे से. ये 5 पार्ट्स, आज चौथी है, छोटी बनाई कोशिश करके. ये 5 पार्ट्स आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, वेक्टर से आपके एक नंबर नहीं कटेंगे, मेरा आपको वायदा है. ध्यान से देखिएगा, वन शॉट भी लेकर आएंगे, लेकिन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी वक्त है, तो पढ़ लीजिए. सवाल घूमेगा तो फंसेंगे नहीं. वन शॉट्स में एक समय सीमा है चीजों को बताने की, हर चीज डिटेल में नहीं बताई जा सकती. ठीक, वो भी लेकिन आपके पास आएगा. तब तक के लिए 12th की लेक्चर्स फिजिक्स की आने वाली है बहुत जल्दी, मैं तो आपके साथ आता ही रहूंगा. तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक. मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में जल्दी ही. टेक केयर, बाय बाय.